हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो आज देखिए किस चीज़ की तैयारी हो रही है। आप सब जान गए होंगे क्योंकि शुरू में ही मैंने छोटी छोटी क्लिप डाल दी है सेलिब्रेशन की। तो जी हाँ, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, खुशी का, तो उसी का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो ये दो तीन दिन पहले हुआ था बर्थडे, बट मैं आज डाल रही हूँ क्योंकि जो ओल्ड वीडियो रहती है ना उन्हें मैं डाल देती हूँ, फिर बाद में डाल दूँगी, इसीलिए मैंने इसे ऐसे ही रखा हुआ था। मुझे लगा आज मैं अपलोड कर दूँ। तो बस मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ क्योंकि बेटी का बर्थडे है ना, तो ज़रूरी है, एक साल में आता है बर्थडे। और वही हल्का फुल्का करूँगी मेकअप, साड़ी मैंने पहन ली है, बस रेडी हो गई हूँ। ये देखिए कैसी है साड़ी, बताइए। ये साड़ी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये साड़ी जानते हैं 6 ईयर की हो गई है, 6 साल की हो गई ये साड़ी, लेकिन अभी भी मैं कहीं भी पहन के जाती हूँ ना तो कोई नहीं कहता कि ओल्ड वर्जन साड़ी आपने पहना है साधना, इसलिए ये साड़ी मेरी फेवरेट है। और वैसे भी ऐसे ही मैं कलर ख़रीदती हूँ जो लॉन्ग टाइम तक चलें और जिनका फैशन कभी जाए ना, मैं ऐसी ही साड़ियाँ ख़रीदती हूँ कि कभी भी मैं पहनूँ तो ये ना लगे कि ओल्ड फैशन की है। तो हमेशा साड़ी ऐसी ही ख़रीदना चाहिए कि हम 4-5 साल तक पहने तो कोई ओल्ड ना कह सके। तो इसलिए ये साड़ी मेरी फेवरेट है क्योंकि ये पुरानी लगती ही नहीं है। तो देखिए एकदम से रेडी हो गई हूँ मैं, अब चलिए फिर चलें। और साउंड लगा हुआ है, खुशी का बर्थडे है तो वही सब हो रहा है। ज़्यादा तो नहीं, बस छोटा सा सेलिब्रेशन है क्योंकि बच्चों का बर्थडे है, एक साल में आता है तो सेलिब्रेशन करना तो ज़रूरी है। बहुत शोर मचा रहे हैं बच्चे भी, तो चलिए फिर केक वगैरह काटते हैं। हल्का फुल्का मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत कम सही थी, सुबह से सर में दर्द था तो इसलिए सब काम मैंने किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ढीला ढीला ऐसे किया है, बट हो गया है, काम था तो करना तो पड़ा ही है। चलिए फिर केक वगैरह काटते हैं और फुल वीडियो देखिएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। शोर बहुत है तो ऐसे बात डायरेक्ट नहीं करती हूँ मैं, वॉइस ओवर करते समय आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले मैं आज मैं आप लोगों को खाना दिखा दूँ जो भी मेरे घर में सुबह से बना है। तो ये छोला समोसा चटनी ले आए थे मॉर्निंग में क्योंकि खाना थोड़ा लेट बना है, तो ये सुबह का है नाश्ता, इसे भी देख लीजिए। और फिर ये दोपहर को मैंने बनाया है शाही पनीर, ये देखिए, इसमें मटर मैंने नहीं डाला क्योंकि शाही पनीर है और जितना पनीर नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा मसाले होते हैं मेरी सब्जी में, पनीर वाले में, क्योंकि मसाले मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मसाला मैं डालती हूँ पनीर की सब्ज़ी में। एकदम से गड्ढी अभी मैंने बनाया है, रखे रखे बहुत ही गड्ढी हो जाएगी ये एकदम से, और ऐसी ही पनीर मुझे पसंद है। और ये देखिए पूड़ियाँ तल रही हूँ, तल के निकालूँगी, ये सेवई बना के रख लिया है मैंने, मतलब सारा खाना रेडी है। और ये पुलाव है, आज मैंने मटर नहीं डाला। इन सब की फुल रेसिपी किसी दिन मैं किसी ब्लॉग में डाल दूंगी, इसलिए मैंने पूरा दिखाया नहीं बनाते हुए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आ गए हैं हम जहाँ केक कटने वाला है, खाना इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आखिर आज के दिन बना क्या है, ये भी दिखाना ज़रूरी था। तो ये देखिए, ये कुछ थोड़ी बहुत सजावट किया है हर्ष ने और इनके पापा जी ने, कैसे ही है सजावट बताइएगा। बहुत ही स्मॉल सा सेलिब्रेशन है क्योंकि मेरी सुबह से तबीयत नहीं सही थी तो मैंने किसी को बुलाया भी नहीं है, क्योंकि फिर देखो भाई बुलाएंगे, काम तो उतना ही करना पड़ा है, उतना ही मैंने बनाया है, लेकिन फिर थोड़ा सा हमें वो होनी चाहिए ना हिम्मत, और जब तबीयत नहीं सही होती तो हम वीक रहते हैं, इसलिए मैंने बच्चों के दोस्तों को भी नहीं बुलाया। मैंने कहा चलो छोटा सा ऐसे ही कर लो, फिर अगली बार फिर बुलाएंगे, तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मी फिर। और ये है हमारा केक, देखिए बच्चे कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत सजा रही है खुशी मेरी, और खुशी को देखना पता नहीं क्या लगाया उसने अपने फेस पे, मार्क्स जैसे, ये देखिए ये क्या है। और मैंने खुशी से कहा इसे लगा के क्यों रखा है, कह रही मम्मी आजकल फैशन है बर्थडे में लगाया ही जाता है। और साउंड बज रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ, उसे मैंने म्यूट किया हुआ है, गाना मैंने बहुत ही एकदम से 1-1 सेकंड का क्लिप मैंने डाला है। ये देखिए केक हमारा रेडी है, चलिए कट करते हैं। और पेस्ट्री केक हम लोग को नहीं पसंद है
डांस मतलब डांस वाला गाना चल रहा है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे हाथ कर रही हूँ, क्योंकि खुशी को बिल्कुल ना लगे कि मम्मी ने दोस्तों को मेरे नहीं बुलाया तो कुछ खाली खाली है, तो मैं ही फुल मस्ती इंजॉय करूँगी और बच्चों के साथ डांस भी करूँगी। और शिवे है, हर्ष मेरा रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए वो इधर नहीं दिख रहा है। और कुछ कुछ जल गई हैं मोमबत्तियाँ, कुछ बाकी हैं तो उसे भी हम लोग जला रहे हैं। ये वाला एक मैं मंगा लेती हूँ, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है, इसमें धुन भी बहुत अच्छी बजती है। और अगर अलग से जो अगरबत्ती होती है ना, मैं नहीं मंगाती ज़्यादा, और बस इसे कह रहे वो फूंक दो बेटा, नहीं कहीं आग ना लग जाए। एक बार ऐसे हुआ था, टेबल के नीचे भी आग चली गई थी, इसलिए मैं लापरवाही नहीं करती, बस बुझा दूँगी। हस्बैंड को भी बुला रही हूँ, वो बैठे थे बाहर, बोले हैं आप सब काट लो, मैंने कहा नहीं आ जाओ आप भी। और डेग लगा हुआ है तो गाना बराबर बज रहा है, इसलिए मैं बस छोटी छोटी क्लिप। सुना ना आप लोगों ने बलून कैसे फोड़ रहे थे। और बर्थडे सॉन्ग भी लगा हुआ है, इसलिए रियल साउंड मैं ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए दो बचे थे, सिर्फ उसे भी फोड़ देगा भैया। और ये पापा को अपने खिला रही है, और उतनी साफ नहीं आ रही है क्वालिटी वीडियो की, क्योंकि शाम का टाइम है। और खुशी मुझे भी खिला रही है, जो जो इसने कहा था वो सब मैंने किया, इसलिए ये खुश है। नहीं, इसको बर्थडे में पसंद है भीड़ भाड़, लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है। दवा ववा खाई हूँ तो अभी शाम तक तो खूब आराम है, अब ठीक है। और जब मैं खाना वाना बना रही थी ना, तब नहीं सही थी तबीयत, तो हबी ने मेरे बड़ी मदद की है मेरी खाना बनवाने में, मतलब बनाया नहीं लेकिन हेल्प किया है उन्होंने, क्योंकि तबीयत नहीं सही होती ना तो उनको भी पता होता है। और उनको भी मैं थोड़ा सा खिला दूँगी, और हर्ष को खिला दूँगी क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा है बेचारा। खाया भी नहीं है, क्योंकि फिर रिकॉर्ड ना करे ना कोई तो हिलता रहता है कैमरा, ट्राइपॉड मेरा टूटा हुआ है तो उसको खिला दी हूँ। अब देखो खुशी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ, मतलब उसे बिल्कुल ना लगे कि कुछ मज़ा नहीं आया। तो इसी सॉन्ग पर फुल डांस मैं कर रही हूँ, बट उसे मैंने म्यूट किया है। आप सब जानते हैं क्यों म्यूट किया है, क्योंकि सॉन्ग नहीं डाल सकते हम। ये है हमारा रात का खाना, डिनर। तो सॉन्ग सारा म्यूट इसीलिए किया हुआ है क्योंकि फिर कॉपी आ जाता है। तो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टीवी लग गई है, बाजा बंद हो गया है साउंड, और मैं थक गई हूँ। चलिए फिर मैं एक अच्छी सी न्यू वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। आई होप आप सबको ये छोटी सी मस्ती इंजॉय मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शो शराबा है इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, बजने वाले हैं 10। तो चलिए गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।